हाय गुड मॉर्निंग, अचल सिंह दिस साइड फ्रॉम ग्लुटाडी पल फार्म्स एंड द फाउंडर इज वेल। आज आपके सामने मैं एक कुछ बहुत बढ़िया क्लासिकल एग्जांपल के साथ लेके आया हूँ पल फार्मिंग का, कि क्या होता है जब हम एक नौसिखिए ट्रेनर से ट्रेनिंग ले लेते हैं और उसके बाद क्या नतीजा भुगतना पड़ता है। ये तो एक पार्ट हुआ। अभी दूसरा पार्ट की ये तो बात हो गया कि ट्रेनिंग गलत जगह से ट्रेनिंग लिया नए बंदे से, बिना उसके बारे में पता किए कि वो कौन है, क्या है, कहाँ से, कितना टाइम से कर रहा है, उसका खुद का क्या सेटअप है, आज तक कितने सेटअप किया, बिना वो जाने पूछे बस सीधा मेरे घर के पीछे क्या बोलते हैं वो बंदा ट्रेनिंग देता है, तो इस वजह से क्या बोलते हैं मैं उसके पास जाऊंगा। तो क्या होता है उससे, वो आपको मैं अभी एक कुछ लोगों से मिलाता हूँ और उससे आपको पता लगेगा। आ जाइए सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम किशोर बमनाड़े। किशोर बमनाड़े, हाँ। कहाँ से है सर आप? महाराष्ट्र से। अभी हम लोग कर्नाटक में, ये क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र से बाउंड्री पे, बाउंड्री पे, वो महाराष्ट्र बाउंड्री, कर्नाटक महाराष्ट्र बाउंड्री से अभी ये लोग मिलने के लिए आए हैं हमारे पास। तो सर आप मेरे पास क्यों आए, पहले तो ये बताइए, अभी आप क्यों आए, आपको ऐसा क्या लगा कि आपको यहाँ आना चाहिए, और आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ? आपका एक वीडियो आया था जी यूट्यूब पे जी, उसमें दिग्विजय पाटिल का भी चेहरा दिखा था। दिग्विजय पाटिल जी का, जिनका मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जिनका आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनका, ठीक है, चेहरा दिखा रहा, ठीक है। तो उनसे फोन पे बात की हमने, हाँ फोन पे बात करके उनसे पूछा हमने, हाँ कर रहे हैं क्या, उसने बोला हाँ कर रहे हैं। अच्छा, तो उनको हमने बोला हमें भी देखना है, देखना है कैसा होता है, ठीक है, क्योंकि दिग्विजय पाटिल और हम एक ही जगह पे ट्रेनिंग लिए थे। अच्छा, आपने ट्रेनिंग ले लिया है? हाँ, ठीक है, कहाँ ट्रेनिंग लिया आपने? महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में नासिक में लिया ट्रेनिंग। नासिक में लिया, नाम लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि नाम हमें किसी का नहीं लेना है यहाँ पर, कौन क्या ट्रेनिंग दिया, सिर्फ एक एग्जांपल दिखाना चाहते हैं हम कि क्या होता है जब हम गलत जगह से ट्रेनिंग लेते हैं। आपने ट्रेनिंग लिया? ट्रेनिंग लिया। उसके बाद क्या किया, स्टार्ट किया अपना काम? स्टार्ट किया। कितने सीप से स्टार्ट किया आपने? स्टार्टिंग किया 1500 सीप से। 1500 सीप से इन्होंने स्टार्ट किया, और कितना साइज था आपके टैंक का, कितना चौड़ा था, कितना लंबा था और कितना गहरा था? टैंक का साइज कितना गहरा था सर आप बताइए, ये भी इनके साथ ही, आपका नाम बता दीजिए सर। ललित कुमार माही, मैं भी महाराष्ट्र से हूं। ओके सर, टैंक का गहराई था 20 फुट और लंबी 40 बाय 50 फुट। 40 फीट बाय 50 फीट, 50 फीट, और 10 फीट डीप था? 20 फीट, 20 फीट डीप था, 40 फीट वाइड था, 50 फीट लॉन्ग था और 10 फीट डीप था। क्या हुआ फिर स्टार्ट किया तो 1000 सीप से? इसमें कोई हमें कोई फायदा नहीं हुआ, टोटली लॉस हुआ। क्यों? सब मर गए। इनका कहना है कि सारा सीप मर गया, ऐसा कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा हो गया कि क्या बोलते हैं कि सीप मर गया। आप अभी यहाँ आए, आपने देखा, आपको कोई फर्क नजर आया वहाँ ट्रेनिंग लेके सीखने में और यहाँ पर आके? मतलब कुछ दो दिन आप आए, दूसरा दिन अभी सीखने के लिए, बहुत कुछ डिफरेंट है, बहुत कुछ डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। आपके जो सर्जरी करते हैं वो टोटल डिफरेंट है, उन्होंने जो सिखाया था छोटी छोटी बात इम्पोर्टेंट वो नहीं बताया हमें। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या नहीं बता? आपने अभी बोला था ना, हाँ, तो खोलने के बाद उसमें से वो एयर और वाटर टोटल बाहर निकालना चाहिए, हाँ। वो हमें बताया ही नहीं था, बताया नहीं, नहीं था। एंटीबायोटिक का उन्होंने गोल मोती जब निकल करने वाले तभी एंटीबायोटिक में डालो, नहीं तो मतलब गोल मोती करेंगे तभी एंटीबायोटिक का यूज करना है, बस करना है, नहीं तो मत करो, ठीक है। और स्टोरेज कैसे करना है वो भी सही से नहीं सिखाया। स्टोरेज का तो उन्होंने एक साइज बताया 3x3 का टैंक लो, उसमें 1000 का स्टोरेज खोलो। अच्छा, पानी डाल कर, मगर वैसा स्टोरेज का उसमें बहुत सारे हमारे मर गए, ठीक है। तो मतलब छोटी छोटी गलतियां करके बड़ी गलती बनी, हाँ, जिसका हाँ, नतीजा आपने भुगता। तो आपने भाई अभी सुना कि कैसे हमारी छोटी छोटी बेवकूफियां और छोटी छोटी गलतियां जब हम एक ऐसे नौसिखिया ट्रेनर से ट्रेनिंग ले लेते हैं तो उसका नतीजा ये होता है। अभी इन्होंने बताया मेरे को, इनको नहीं पता कि सर्जरी प्रॉपर करते हैं तो कब एंटीबायोटिक का यूज करना चाहिए, कितनी एंटीबायोटिक डालनी चाहिए, और जब सीप आती है तो कैसे उसका स्टोरेज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आया बस कहीं भी रख दिया तो स्टोरेज हो गया, वो सीप मर जाएगी। कब ऑपरेशन करना चाहिए, ऑपरेशन करने के बाद कितने टाइम एंटीबायोटिक में रहना चाहिए, एंटीबायोटिक में रहने के बाद कब पॉन्ड में उसका डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, मतलब उसको तालाब में कब डालना है, ये सब चीज बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि रोज के रोज मेरे खिलाफ लोग वीडियोज बना रहे हैं, और बनाओ, एक नहीं 1000 वीडियोस बनाओ मेरे खिलाफ, मैं बोलता हूँ ना ही मैं बोलना बंद करूंगा ना ही मैं सिखाना बंद करूंगा। मेरे पास आज भी रोज कम से कम 400 to 500 कॉल्स आते मेरे पास पर डे,
कि लोग मेरे से सीखना चाहते हैं, तो मेरे अंदर कुछ तो बात होगी कि लोग मेरे से सीखना चाहते हैं, ऐसे तो कोई मेरे को कॉल करेगा नहीं। आप देख रहे हैं पीछे हमारी, क्या फर्क होता है और ट्रेनिंग सेंटर में, मैं आपको वो अभी दिखाता हूं। देखो कैसे फर्क आता है कि एक अनप्रोफेशनल और एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर में, हाउ डज इट मैटर। ये देखिए, ये हमारी टीम है, आप थोड़ा सा एक बार खड़े हो गए प्लीज। ये देखिए, ये इनका प्रॉपर ड्रेस कोड है, एक ऐसे आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर ड्रेस कोड है हमारा एक, इसे कहते हैं प्रोफेशनलिज्म, ठीक है ना। प्रॉपर ये लोग अपने ड्रेस कोड में काम करते हैं, बैठ सकते हो आप अभी, प्रॉपर ड्रेस कोड में अपना काम करते हैं लोग, इसे बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म। यू शुड नो हाउ टू ड्रेस एट योर प्लेस, मतलब जहां आप काम करने जा रहे हो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कैसे काम कर रहे हो, क्या कपड़े पहन के आए हो, क्या नहीं पहन के आए। ये नहीं कि कुछ भी आए और किसी भी आदमी को उठाया और सर्जरी करने के लिए दे दिया। अभी प्रॉब्लम कहां कहां आ रही है मैं आपको वो बताता हूं। देखिए, जब हम किसी भी सेंटर को कॉल करते हैं तो आपसे पूछते हैं कि सर मेरे को सीखना है, मेरे को, मेरा बजट है 50,000 रुपये और मेरे को ये सेटअप करना है, तो वो क्या सोचता है, वो सोच, आप उसकी साइकी को समझने की कोशिश करो कि वो कैसे सोचता होगा जब आप 50,000 बोलते हो कि मेरा बजट ज्यादा नहीं है, मैं 50,000 में ही कर सकता हूँ बस। वो क्या सोचता है, भागते चोर की लंगोटी से ही, मतलब अरे भैया ये 50,000 से ज्यादा नहीं देगा, इसमें मैं कम से कम 5-10,000 तो कमा ही लूंगा, इसको एक काम करो टंकी में करवा दो, इसको बोलो 1,000 सिप से नहीं तू 500 से ही कर ले। तो वो अपना फायदा देखता है, आपका नुकसान क्या होने वाला है उसको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो रिसर्च वर्क नहीं किया उसी का वो फायदा उठाया उस वक्त। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि अपना रिसर्च वर्क प्रॉपर करो, रिसर्च वर्क बहुत ज़रूरी है। कहाँ से ट्रेनिंग लेनी है, कौन है वो आदमी जो ट्रेनिंग दे रहा है, खुद कितने बड़े स्तर पर काम कर रहा है, कितना सेटअप आज तक किया है नहीं किया है, तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है जब हम लोग परफॉर्मिंग करते हैं। पहला, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना। ऐसा तो नहीं है कि वो आदमी, आप जब उसको फोन करके बोल रहे हो कि आप हमें सीप दे दोगे, टूल्स दे दोगे, तो वो बोल रहा है हाँ मैं आपको सीप दे दूंगा, आपको नंबर दे दूंगा, आप वहां से सीप ले लेना, मैं आपको टूल्स दे दूंगा, एक काम कीजिए नेट रोल आप वहां से खरीद लीजिएगा, सर्जरी के लिए मैं आपको अलग से आदमी दे दूंगा। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, वो 10 जगह से आपको क्या बोलते हैं अलग अलग नंबर्स दे रहा है कि आप यहां से ये ले लो, वहां से वो ले लो। जब सब कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा जब आगे, या मतलब सीप मरेगी या कोई भी ऐसी परेशानी आएगी, आप किस किस को पकड़ोगे। इसीलिए बोलते हैं कि कहीं से भी काम करो एक जगह से करने का, एक आदमी को पकड़ने का जब सीप मरेगी तो। जब सीप मरती है तो उस एक आदमी को पकड़ो जिससे पहले टाइम बात हुई थी, उसको बोलो कि सर मैं जो भी करूं, चाहे सीप लूं, न्यूक्लियस लूं, टूल्स लूं, एक्सेट्रा, जो भी ट्रेनिंग लूं ना लूं, क्या है मैं आपको पकड़ूंगा एंड में जाके अगर मेरी सीप मरी तो। फिर उसके बाद उसका रिएक्शन देखो क्या बोलता है वो। तीन चीज इंपॉर्टेंट है, पहला रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल वो अपनी जिम्मेदारी पे आपको पूरा देगा के नहीं देगा, पहला चीज। दूसरा चीज प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की गारंटी लो उससे, प्रोडक्शन की उससे गारंटी लो कि सर गारंटी दो मेरे को कि इतना प्रोडक्शन तो होगा ही होगा। अगर वो गारंटी नहीं दे सकता है तो इसका मतलब वो आपके साथ सिर्फ तुक्का मार रहा है, कह रहा है तुक्के में जितना हो जाए हो गया, तो वो छूटे बोलेगा नहीं सर मैं गारंटी ले सकता। अरे भाई गारंटी क्यों नहीं ले सकता, तू तो बोल रहा है 4 साल से कर रहा हूं, 5 साल से कर रहा हूं। जब तू 4-5 साल से कर रहा है तो भैया गारंटी क्यों नहीं दे रहा, इसका मतलब तेरे को कोई अनुभव नहीं है, तेरे को पता ही नहीं है कि कितना होता है फसल, कितना होगा मिनिमम बेयर, कितना फसल होगा। हम लोग गारंटी देते हैं कि इतना होगा ही होगा, 40-50% हम गारंटी देते हैं कि आपका अगर नहीं होता तो जितना नुकसान होगा उतना हम भरेंगे, ठीक है उतना हम भरेंगे। अगर 40%, अगर मान लो इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं, अभी मान लो हमने कहा कि हम 5,000 सीप से हम लोग काम शुरू करेंगे, 5,000 से हम काम शुरू करेंगे, 5,000 का अगर 40% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आया 2,000 सीप। 2,000 सीप को मतलब एक सीप के अंदर दो मोती हो सकते हैं, मतलब 2,000 सीप के अंदर हुआ 4,000 मोती। 4,000 मोती हमें साल में मिलता है, हम लोग बाय बैक एग्रीमेंट जो करते हैं उसमें एक फिक्स प्राइस होता है 100 रुपीज, 100 रुपीज पर हम लोग आपसे बाय बैक करते हैं, मतलब 4,000 जो आपका मोती हुआ मल्टीप्लाइड बाई 100 रुपीज, मतलब 100 रुपए, तो मतलब हुआ 4,00,000 रुपए। अब खर्चा आपका 1-1.5 लाख रुपए के बीच में खर्चा आता है जिसमें आप ये काम कर सकते हो। कई लोग बोलते हैं आप बहुत अंडर पे करते हो, अरे भाई अंडर पे क्या कर रहे हैं आप, 1.5 लाख रुपए लगा के आपको 4 लाख रुपए मिल रहे हैं, इससे ज्यादा की आप क्या उम्मीद कर रहे हो। मार्केट में अगर आपको ऐसा लगता है कि अचल जी कम पे कर रहे हैं 100 रुपए, तो आप एक काम करो, हमारे बायबैक एग्रीमेंट में कहीं नहीं लिखा होता कि आपको हमें ही बेचना है, आपको अगर 200 रुपए क्या 100 की जगह 101 रुपए मिल रहा था जाके बेच दो, हम आपको रोकेंगे नहीं। और बताइए, पहला चीज है सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, फिर दूसरा है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की गारंटी लो कि कितना प्रोडक्शन की आप गारंटी देते हो, लिखित गारंटी लो, जिससे भी ले रहे हो लिख के लो, बोला लिख के दे भाई कि तू लिख के दे कि कितना फसल होगा ही होगा। और
कंपनी के लेटर हेड पे लो, लोग बहुत चीटिंग कर रहे हैं अभी, क्या कर रहे हैं, ना उनके पास कोई लाइसेंस है, ना उनके पास कोई जीएसटी नंबर है। आप अगर किसी के पास सीखने जा रहे हो, किसी कंपनी के पास, वो बोलता है अगर कि मेरी कंपनी है, तो उससे बोलो भैया आपका जीएसटी नंबर है क्या। जीएसटी नंबर मतलब सिंपल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब जो माल ले रहे हो उस पर भी टैक्स लगेगा, जो बेचोगे उस पर भी टैक्स लगेगा। समझ में आया? तो बिना जीएसटी नंबर वाले बंदे के पास जाना ही नहीं, जिसके पास कंपनी नहीं उसके पास जाना नहीं है, इसका मतलब वो अनप्रोफेशनल है, उसको कुछ नहीं पता है। अभी तुक्के में चलाएगा आपका काम, गारंटी लो हर चीज की, मतलब प्रोडक्शन की भी गारंटी लेनी है। तीसरी चीज बायबैक, माल बनने के बाद गारंटी लेता है क्या कि हाँ भाई मैं आपका माल खरीदूंगा, ये नहीं बोलना कि हाँ मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ बिकेगा। ये कोई आलू टमाटर नहीं है कि थैले पे ले गए और बेच दिया, नहीं बिकेगा आप लोगों से, मैं बोल रहा हूँ बार बार। गारंटी लो लिख के भैया मेरे को गारंटी दो लिख के, कितने प्राइस पे खरीदोगे आप मुझसे, उसके लेटर पैड पे गारंटी लो, और उसके क्या बोलते हैं जीएसटी नंबर उसका जरूर चेक करो, उसका जीएसटी नंबर है भी कि नहीं है, टिन नंबर डिन नंबर ये सब है कि नहीं है। फालतू लोगों के पास बिल्कुल नहीं जाना, अपना पैसा बचा के रखो, कम पैसा है थोड़ा रुक जाओ, या दो तीन लोगों की मदद लो, दो तीन फ्रेंड्स मिल जाओ, फैमिली मेंबर्स मिलो, उनके साथ मिलके बैठ के बात करो, मिलके बैठ के एक प्लान बनाओ। जैसे मैंने पाटिल जी का भी जो ये प्रोजेक्ट हम लोग कर्नाटका में कर रहे हैं, उसमें एक आदमी नहीं है, उसमें 12-13 लोग है, कम से कम 21 है, सॉरी। ये शूटिंग पाटिल जी कर रहे हैं अभी, तो पाटिल जी थोड़ा सा घुमा के अपनी शक्ल दिखा सकते हो कि ये शूटिंग कौन कर रहा है। ये पाटिल जी है जो शूटिंग कर रहे हैं अभी, तो पाटिल जी 21 लोग मिलके कर रहे हैं 21,000 मजल्स का प्रोजेक्ट, इसका मतलब 1,000 ईच, मतलब 1,000 एक आदमी कर रहा है। इसी तरीके से अगर आपको लगता है आपके पास तालाब नहीं है, आपके पास पैसे की कमी है, तो अपने दोस्तों से बात करो, अपने फैमिली के लोगों से बात करो, 4-5 लोग मिल जाओ, उस एग्रीमेंट पे हम सबका नाम लिखेंगे कि कौन कौन है। जब प्रोडक्शन आए उसको बराबरी बांट दो, जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया, जिसने मान लो इन्हें 50% किया तो इनको 50 दे दिया, बाकी 5 लोगों ने 10-10 किया तो उनको 10-10% दे दिया जितना प्रॉफिट आया। ये मत करो कि मैं टंकी में करूंगा, टंकियों में मोती पालन, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एक 100% लॉस का काम है। आप टंकियों में मोती नहीं होता है, 100% नहीं होता है। ये देख लीजिए आपके सामने ये बंदा है जो खुद बोल रहा है 100% नहीं होता है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। 40-50 हजार रुपए आपके पास हैं, कृपया उसे खराब ना करें, उसको बचा लीजिए। मोती पालन का मतलब ये नहीं है कि 40-50 हजार लगा के और 40-50 लाख रुपए आ जाएगा। अपने पैसे को सही से यूटिलाइज कीजिए। आप सबके पास मेरा नंबर है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फिर भी, 9711858258। आपको कोई भी परेशानी आती है, मेरे पास रोज कॉल्स ऐसे आते हैं जो लोग क्या बोलते हैं परेशानी में होते हैं और क्या बोलते हैं मुझे कॉल करते हैं। अभी जैसे ये सर आए मेरे पास तो इन्होंने जो न्यूक्लियस यूज किया था, न्यूक्लियस मतलब जो बीज यूज किया था, वो लोग ये रैपिड रिपेयर का यूज कर रहे थे। आप किसका यूज कर रहे हो सर? रैपिड। दिखाओ अपना बीज कहा है आपके पास, दिखाओ सर को। ये देखिए, ये एक अल्लाह का पर्ल है, मतलब सॉरी न्यूक्लियस है, ये अल्लाह का न्यूक्लियस है, और ये कुछ शेरावाली का है, एक शेरावाली माता का, और ये एक ये राधा कृष्ण का है, और ये एक आपका भोलेनाथ का है, और बस बहुत है, इतना ही शिवलिंग का है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें आपको कुछ दिख रहा है क्या? कुछ दिख रहा है क्या आपको इसके अंदर? कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, वो दिखेगा भी नहीं। उसका रीजन मैं बता देता हूं। क्या होता है कि जब हम रैपिड रिपेयर की बात करते हैं, रैपिड रिपेयर क्या है आपको वो समझना जरूरी है, रैपिड रिपेयर क्या है वो समझना जरूरी है। रैपिड रिपेयर दांत बनाने के काम आता है, वो एक डेंटल पाउडर है जिसके साथ एक लिक्विड आता है, उन दोनों को मिला के गाढ़ा करके हम डाई के अंदर डालते हैं तो न्यूक्लियस बन जाता है। लेकिन इसका क्या रिएक्शन होता है सिप के ऊपर, क्या रिएक्शन होता है? अभी वो जो बना हुआ है उसके अंदर आपको डिजाइन भी नहीं दिखेगा कि क्या डिजाइन है। जब उस पर कोटिंग होना शुरू होगी 90th डे पे, अगर आपको मतलब 90वें दिन जिस दिन आपने सीप तालाब में डाला है उससे 90 दिन काउंट कर लीजिए, अगर 91st डे पे 91 वाले दिन अगर उसके अंदर कोटिंग नहीं दिख रही, सिर्फ आपको दिख रहा है चिपक गया लेकिन कोटिंग नहीं है, इसका मतलब समझ लीजिए आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है ऑलरेडी। आपको बता देता हूँ, जो लोग रैपिड रिपेयर से डाल रहे हैं मैं उनको चैलेंज करता हूँ, जो लोग रैपिड रिपेयर का काम कर रहे हैं, कि भाई एक काम करो, जो मैं न्यूक्लियस बताता हूँ वो यूज कर लो, और अपना रैपिड रिपेयर का यूज कर लो, और अपना जो सिप पाउडर का तुम लोग बना रहे हो एल्डिहाइड मिला के वो भी यूज करके देख लो, जिस पर पहले कोटिंग आ जाए वो यूज करना शुरू कर देना, मेरा ओपन चैलेंज है। जाओ मेरा वाला न्यूक्लियस दिखाओ जरा, मेरा वाला न्यूक्लियस कौन सा है, एक न्यूक्लियस दिखा दूं आपको, आप देख सकते हो ये बुद्धा का है, और एक मिनट क्रॉस, हाँ ये क्रॉस है,
अब आप देखिए, ये एक बुद्धा का है, बुद्धा फेस है और एक ये क्रॉस है। कितना उभरा हुआ डिजाइन है, कितना उभरा हुआ है, आप दोनों देख सकते हैं, आराम से दिख रहे होंगे आपको, देख रहे हैं ना आप, क्लियर कट डिजाइन है। हाँ, क्लियर कट डिजाइन है ना। इसका मतलब ये है कि जब हमें न्यूक्लियस यूज करना चाहिए तो हमें न्यूक्लियस ऐसा यूज करना चाहिए जिसका डिजाइन उभरा हुआ हो। रैपिड रिपेयर में ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि क्या बोलते हैं, डिजाइन ऐसे यूज करते हैं कि क्या बोलते हैं, उनमें आपको डिजाइन दिख ही नहीं रहा होता है, बहुत पतला बारीक डिजाइन होता है, जैसे सर का अभी दिखाया मैंने। तो ऐसा न्यूक्लियस यूज मत कीजिए जिसमें आपको डिजाइन नहीं दिख रहा, क्योंकि वो 3-4 महीने की कोटिंग के बाद वो भी दिखना बंद हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, इतना छोटा छोटा न्यूक्लियस डाल रहे हैं, अरे भाई क्यों डाल रहे हैं, वो दिखेगा भी नहीं एंड में जाके आपको 3-4 महीने बाद, तो और उसका कोई वैल्यू नहीं है। जब कोई चीज दिख नहीं रही उसकी क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा छोटा छोटा लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है। कृपया सोच समझ के आप डिसीजन लीजिए कि आपको ये बिजनेस करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो बिजनेस करना ही करना है। आप सोचिए कि आपका जो पैसा आप लगा रहे हैं क्या वो सच में इस बिजनेस के लिए वर्थ है, आप टाइम दे पाओगे, आप उतनी मेहनत कर पाओगे जितनी ही रिक्वायर्ड है इस पल फार्मिंग में। इसके अलावा एक मैसेज और है मेरा अभी सब लोगों के लिए, उससे काफी लोगों को तकलीफ हो चुकी है इंडिया के अंदर, और काफी लोग मेरे को बहुत कुछ वीडियो पे बना बना के बोल रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, और मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे किसी को टारगेट ना करना है, ना मेरे को करने की जरूरत है। हम टारगेट तब करते हैं किसी को जब हमारे पास काम नहीं होता। मेरे पास इतना काम है कि मेरे को टारगेट करने की जरूरत नहीं किसी को भी। आप इंडिया के अंदर बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं अक्रॉस इंडिया, हमारा पहला ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता है आपको। हमारे 2 बैचेस है अभी, 1 जून में 1 जुलाई में। जून के अंदर 22, 23, 24 जून को ट्रेनिंग है, और जुलाई में 20, 21, 22 जुलाई को ट्रेनिंग है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, मैंने जो नंबर आपको बताया 9711858258 पे कॉल करना है, कॉल करके और अपने आप को रजिस्टर करना है, ठीक है ना। मैं आपको प्रोसेस समझा दूंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। कोई चार्जेस नहीं है आपका, सिर्फ 250 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, वो आप पे करें और पे करके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं 3 दिन में। आपको इससे सुनहरा अवसर नहीं मिलेगा, ऑलरेडी बहुत लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं जून के लिए भी और जुलाई के लिए भी, तो आप इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। कई सारे इसके अंदर क्या बोलते हैं, आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व हैं, कृषि विज्ञान केंद्र से, अलग अलग जगहों से। आप आए, इसका हिस्सा बने, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कैसे मोती की खेती होती है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो सब आपको देखने को मिलेगा। आज के लिए मेरा संदेश इतना ही था। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें बेल आइकन बना हुआ है उस पर दबा के उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब का बटन साइड में ही होता है, वो दबा के आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे जितने भी नए वीडियोज आप तक पहुंचते रहेंगे। मेरा जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आप मुझे कॉल करें। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।